दो पहिया वाहन निर्माता कंपनी होंडा इंडिया ने आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि कर दी है कि होंडा एक्टिवा 6G को 15 जनवरी 2020 को लॉन्च किया जाएगा। सभी दो पहिया वाहन निर्माता कंपनी अपने वाहन को BS6 मापदंडों के आधार पर अपग्रेड कर रहे हैं, क्योंकि इसे लागू करने की अंतिम तिथि सिर्फ 3 माह दूर है। इसके चलते कई लोकप्रिय बाइक और स्कूटर को बड़ा बदलाव किया जा रहा है। इन्हीं में से एक होंडा एक्टिवा भी है, जो भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली स्कूटर के तौर पर जानी जाती है। इस स्कूटर को BS6 में अपग्रेड करने के साथ कंपनी ने 26 नई तकनीकों का पेटेंट कराया है। इस नई एक्टिवा में LED हेडलैम्प, नई अपर केस क्रैक केस के साथ टॉक रिसीवर और रेक्टिफिकेशन फेंडर लगाया गया है, जो इसे एक आकर्षक स्टाइल प्रदान करता है। कंपनी के अनुसार होंडा एक्टिवा 6G में अनुकूल ऊर्जा देने के लिए प्रोग्राम्ड फ्यूल इंजेक्शन PHEVI और इन हैंड स्मार्ट पावर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही नई एक्टिवा में बिल्कुल नया डिजिटल एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, जो कुछ नए फीचर्स जैसे रियल टाइम फ्यूल इकोनॉमी और डिस्टेंस टू इम्पटी से लैस होगा। होंडा एक्टिवा BS6 मॉडल में 109.19 cc का एयर कूल्ड इंजन लगा है, जो 7.8 BHP का पावर और 9 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी में इसमें ईंधन की बचत के लिए होंडा इको तकनीकी HET का इस्तेमाल किया है। एक्टिवा 6G में आगे डिस्क ब्रेक और पीछे ड्रम ब्रेक मिलेंगे, साथ ही कॉम्बी ब्रेक का भी विकल्प मिलेगा। नई होंडा एक्टिवा में आगे टेलीस्कोप सस्पेंशन और पीछे मोनोस्कोप मिलेगा। एक्टिवा 6G में अंदरूनी तकनीकी के साथ ही कंपनी ने इसे डिजाइन में भी बदलाव किए हैं। नई एक्टिवा में आपको LED हेडलैम्प के साथ LED डे टाइम रनिंग लाइट, नए डिजाइन के साथ सीट, नए टर्न इंडिकेटर, नया पेंट स्कीम मिलेगा। होंडा एक्टिवा भारत में एक लोकप्रिय स्कूटर है, अब जबकि एक्टिवा 6G को नए रूप और तकनीक के साथ पेश किया जा रहा है, तो इसकी बिक्री में बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि BS6 मापदंड जल्द ही लागू हो जाएंगे।